ये जी यारिस 2023 टोयोटा ने यारिस को पाकिस्तान में 2020 में मुतारिफ कराया था मार्च में, जिन दिनों लॉकडाउन शुरू हुआ था। और यारिस ने बेसिकली टोयोटा करोला के जो बेस वेरिएंट थे एक्सएल है जी एल है उसको रिप्लेस कर दिया है। और अब मार्केट में अगर आपको एंट्री लेवल टोयोटा लेनी है तो दिस इज द कार यू कैन बाय। यारिस के मल्टीपल वेरियंट मार्केट में आते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट 1.5 CVTi X है, इसके नीचे 1.3 CVTi X होता है, फिर 1.3 GLi है, इसी तरह 1.3 मैनुअल है। आज इस गाड़ी का वॉक अराउंड हम आपके लेके आ रहे हैं, ये 1.5 यारिस CVTi X टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। ये गाड़ी मैंने आपको बताया 2020 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, अभी 2023 आ गया है, सेम कार चल रही है। और इस साल मेरे ख्याल से इसमें कोई चेंज ऐसा सच एक्सपेक्टेड नहीं है। द ओनली चेंज जो मेरे ख्याल से इसको फेस लिफ्ट के तौर पे लेके आ सकती है कंपनी, वो या तो इसके बम्पर्स के साथ थोड़ा बहुत अकेला जाएगा या इसके व्हील्स जो है उनको चेंज कर दिएगा। अगर आप इसको वैसे देखें तो आपको सामने DRLs मिल रही हैं, हेडलाइट है, हेडलाइट अगेन सारे वेरियंट्स में कॉमन है, DRL टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में आता है, बेस वेरियंट में नहीं आता। साइड पे अगर आप आ जाएं आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे TRD के, अगेन TRD अलॉय व्हील्स जो है ये सिर्फ CVTi X में मिलेंगे आपको, बेस वेरिएंट में आपको व्हील कप मिलेंगे। अगर इस साल में 2023 के मिड में या एंड में जाके अगर आपको कोई चेंज मिला तो शायद इनकी व्हील की जो है शेप के अंदर आए। रेयर एंड की तरफ अगर आप गाड़ी के आ जाएं तो रेयर एंड भी हम पहले आपको दिखा चुके हैं, इसमें भी कोई चेंज अभी तक नहीं आई जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है। और अगेन अगर इसमें कोई चेंज आई एक्सपेक्टेड वो हुई तो शायद इसकी लाइट्स के अंदर कोई थोड़ा बहुत प्ले किया जाए या इसके साथ कोई बॉडी किट दे दी जाए, बट नथिंग बिग इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अच्छा बेज रूमी इंटीरियर है ना, उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, ऑल्दो इट्स अ बी सेगमेंट सेडान, बट आपको अंदर बैठ के कहीं ऐसी फील नहीं आती कि शायद आप किसी बहुत छोटी गाड़ी में बैठे हैं। स्टेयरिंग व्हील अगेन इज बोरोड फ्रॉम टोयोटा की जो ग्रैंडी का फर्स्ट इटरेशन आया था 11th जनरेशन का, सेम स्टेयरिंग व्हील है, TV दिया गया है, रिवर्स कैमरा है, CVT गियर है। तो इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो इस गाड़ी की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। 1.5 जो गाड़ी है इसकी हाईवे के ऊपर एवरेज 16 से 17 के करीब आती है, और शहर में तकरीबन अगर आप प्यार से चलाएं तो वैसे 18 भी आ जाती है। और शहर में जो मैंने इसको रिव्यू किया था तो मेरा ख्याल है अगर मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो ये 12-13 तो बड़े आराम से शहर में देती थी। तो इस गाड़ी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ईजी टू पार्क, इसका साइज़, मैनूवरेबिलिटी, फ्यूल इकोनॉमी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, बींग अ टोयोटा, सो 2023 में दिस इज़ वॉट टोयोटा यारिस इज ऑफरिंग यू। सो अगर आप यारिस की प्राइसेज और उसके डिफरेंट वेरियंट्स की प्राइसेज जानना चाहते हैं, इनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर से अपने रिस्पेक्टिव सिटी में विद टैक्स विद रजिस्ट्रेशन इसकी प्राइसेज भी निकाल सकते हैं।